यही इन लोगों की लाइफ है। रोड पे जाएंगे तो गाड़ी वाले मार देंगे, खेत में जाएंगे तो इंसान मार देंगे, और अगर घूर घूर के जाएंगे तो भाई रात में इनको कुत्ते दौड़ाते हैं। सो गाइस, जो टाइटल और थंबनेल आप लोग देखे हो, ये कोई मेरा व्लॉग या वीडियो तो ऐसे है नहीं कि मैं चलो ऐसा वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ इधर जो रास्ता है ये वाला, तो भाई इधर मैं आता हूँ, ठीक है। इधर का मेरा आना जाना ऐसे ही तफरी के लिए, तो मैं इधर देखता हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे जानवर है, जैसे बैल है, सांड है, गाय है, जिसके साथ भाई बहुत ही मतलब गंदा गंदा सीन हो रखा है। किसी का पैर इतना फूला हुआ है हाथी की तरह, तो किसी की गर्दन कटी हुई है। अभी रास्ते में और सारे बहुत मिले, अभी आप लोग देखना। तो लास्ट वाला मैं ढूंढने अभी जा रहा हूँ, भाई इंट्रो मैं बाद में कर रहा हूँ, जिसका पैर भाई इतना ज़्यादा मोटा फूला हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी दिन से उसको देखता हूँ। और मैंने बहुत ट्राई किया किसी को, मतलब जो होते हैं ना पशु सेवक, गौ सेवक जो होते हैं, ऐसे कॉल करने पे आके उसकी हेल्प करते हैं, जो भी कटा पिटा रहता है उसकी मदद करते हैं। तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई आ नहीं पाया भाई, पता नहीं क्यों। हो सकता है हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है या मऊ में अवेलेबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद जब देखा मैं कि भाई नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, क्या पता मेरी वीडियो ही देख के कोई किसी के जानकारी में अगर कोई होगा डॉक्टर या ऐसा सर्विस, जो कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसमें पशु सेवक रहते हैं, मदद करते हैं, तो वो आ जाए। भाई उनको ये वीडियो शेयर करो, और लोकेशन भी मैं दे दूंगा, पिन कर दूंगा, जो भी रहेगा मुझसे होगा, मैं लोकेशन इसमें दे दूंगा। तो आओ भाई। तो भाई देख सकते हो कि यहाँ पे है, इसका पैर देख सकते हो भाई, इतना बड़ा जानवर है, और इसकी खुर देख सकते हो पीछे वाली भाई, इतना बड़ा जानवर है कि कोई सुनवाई भाई नहीं हो रही है यार। इसकी बॉडी भी धीरे 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 घटती ही जा रही है, लेकिन क्या करें, अभी इंसान का रहता ना तो ये लोग करते भाई चंदा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये जानवर है इसका कोई नहीं सुनता। देखो भाई मैं काफी दिन से इसको भी देख रहा हूँ, इसका भी फोटो खींच के मैं भेजा हूँ, लेकिन क्या कहें यार, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये सोचो एक बार इसी बारिश वाले कचड़े में भाई चलता कैसे होगा, एक बार देखो कितना पेन में है यार। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक और मिल गया है राह चलते हुए, ये भाई देख सकते हो इसकी गर्दन, पूरी गर्दन भाई कटी हुई है यहाँ से। अबे यार उसकी भाई, अगर उसकी गर्दन की रस्सी खुल जाए तो हो सकता है सही हो जाए। एक बार यहाँ पे भी एक बैठा, अभी तो ये फ्रेश है, क्या पता कभी इसको भी गाड़ी वाला मार दे भाई। यहाँ पे भाई इसकी पूरी गर्दन रस्सी से कटी हुई है, लेकिन वो देखो भाग रहा है ना, रुकेगा ही नहीं कि हम लोग उसका कुछ सही कर पाए, अब वैसे ही सड़ते सड़ते पूरी गर्दन उसकी सड़ जाएगी। तो भाई यहाँ पे मैं ब्रेड लिया हूँ थोड़ा सा, देखते हैं एक बार दे के उसको खाएगा, अगर पास आएगा तो मैं ही कोशिश करूंगा खोलने की, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आह भाई वो रुकेगा नहीं ना, देखो जा रहा है वो, खाएगा ही नहीं। तो भाई देख सकते हो वहां भाग गया, रुक ही नहीं रहा, नहीं रुकेंगे ये लोग, बागड़ बागड़ हो गए हैं ना ये सब। देखो एक वहां पे बैठा हुआ है, सब ऐसे ही छोड़, गलती भाई हमारी नहीं है, गलती जो पालते हैं ना गाय, अगर बाछी होगी तो रख लेंगे, बछड़ा होगा तो उनके अंदर जान ही नहीं है। कैसे इंसान मेरे घर में, देखते हैं। ये तो खैर छोटा जानवर है, अगर कोई नहीं आया तो मैं अपनी ही टीम ला के कोशिश करूंगा कि उसके गर्दन का जो फंदा है वो काट दूं, ताकि वो सही हो जाए, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है
मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सिर्फ उसके गर्दन की रस्सी काट दूंगा और कुछ लगा देंगे उस पर तो फ्रेश हो जाएगा वो, क्योंकि सिर्फ वही उसका कटा हुआ है, बाकी कहीं चोट वोट नहीं लगी है। तो चलो आगे देखते हैं वो वाला कहाँ है जिसका पैर भाई हाथी की तरफ उगा हुआ है। होगा मेरी टी शर्ट चेंज है, तो मॉर्निंग में मैं इसको बहुत ढूंढा नहीं मिला। आज जुमा का दिन था इसलिए मैं घर चला गया, फिर शाम की टाइम आया हूँ तो भाई देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे अभी भाई आपको पास से दिखाता हूँ यार, ये कितना ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा पेन में, देख सकते हो भाई इसका पैर कितना ज्यादा, भाई हाथी से भी मोटा फूला हुआ है, बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ है। अब उसका पैर का जोड़ देखो, ना बैठने लायक है ना उठने लायक है। ओ भाई साहब पूरा फट रहा है आगे से यार, देख सकते हो आप लोग आगे से खून का टुकड़ा है। तो भाई इतना ज्यादा डर रहा है, और मैं शाम की टाइम आया हूँ, कुछ लिया भी नहीं हूँ खाने वाला यार, मैं तो भूल ही गया। तो भाई ये कम से कम 1.5 साल 2.5 साल से ऐसे ही है, जो आपका आप उसका पैर देख रहे हो ना भाई, उसमें तार फंस गया था और वो पूरा हिस्सा काट दिया है ना, और पूरी गांठ पड़ गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा वो पेन में लग रहा है। ये जानवर बेचारा अपनी मौत की गिनती गिन रहा होगा कि भाई मैं मर जाता तो ही अच्छा होता। जानवरों के लिए भाई लड़ाई होती है कि जान जाती है, लेकिन जिनके लिए लड़ाई होती है भाई वो खुद सेफ नहीं है, और सिर्फ लोग घूस खाते हैं पैसे खाते हैं इन बेचारों के नाम पर। देख सकते हो भाई उसी झाड़ी में वो घुस जाएगा, उसी में बैठा रहा होगा, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा था मॉर्निंग में। देख सकते हो भाई यही इन लोगों की लाइफ है, रोड पे जाएंगे तो गाड़ी वाले मार देंगे, खेत में जाएंगे तो इंसान मार देंगे, और अगर घूर वूर पे जाएंगे तो भाई रात में इनको कुत्ते दौड़ाते हैं। यार कुछ तो इंसान रहम करो, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है भाई दुनिया में, बची नहीं, इसीलिए सब लोग प्रॉब्लम में आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ भाई इंसानियत भी ख़त्म हो रही है, कसम से मुझे तो देखा ही नहीं जा रहा है भाई, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अफसोस हो रहा है भाई यार, बहुत ज़्यादा उसका मैं भाई हाथी से मोटा फटा हुआ है उसका पैर। पहले एक और जानवर था उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे, और ताल है वहां पे था भाई, बहुत ही बड़ा वो भी जानवर था, और उसकी पूंछ में भाई किसी ने जो क्रैकर बम होता है ना मजाक मजाक में दिवाली पे वो लगा के फोड़ दिए थे भाई, भाई उसकी पूंछ लिटरली कट के गायब हो गई थी। लोग वहां के बता रहे थे कि पता नहीं वो लड़के सब फोड़े और उसकी पूंछ कट के गायब हो गई, और उसका क्या हाल हुआ था भाई, सड़ के पूरा पिछवाड़ा जो पॉटी करने वाला रास्ता होता है वहीं पे भाई उसमें से कट कट के इतना बड़ा बड़ा लिटरली गोश्त गिर रहा था उसमें से, मुझे देखा उसके लिए भी भाई मैंने बहुत ट्राई किया और उससे कीड़े पड़ गए थे और बदबू भी आ रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया कि उसकी हेल्प करूं किसी तरह, लेकिन वो भी नहीं बचा, वो मर गया बेचारा। और एक इधर कन्यारुपुर में ही इस साइड, वो तो उस साइड था, इस साइड अभी एक हफ्ते पहले भाई एक और था जो कि एक हफ्ते पहले वो भी मर गया, जिसकी टांग टूटी थी काफ़ी दिन से, वो भी बड़ा जानवर था, धीरे 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 बिना खाए पिए बैठा। एक हफ्ते पहले मैं गया उसे देखने के लिए, तो बेचारा वो भी अपना दम तोड़ चुका था, कई दिन का मरा हुआ था, बदबू कर रहा था, मैं गया पास से देखा तो भाई वो जानवर भी ख़त्म हो गया। तो भाई आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोगों से हो सके वो वीडियो शेयर करो, कमेंट और लाइक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कि मुझे चाहिए ना सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो से,
और जिससे जो हो सकता है वो भाई करे प्लीज़। और किसी की जानकारी में कोई कांटेक्ट हो तो वो भी मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है, मैं भी कर दूँगा। अगर सिर्फ आप लोग इतनी सी भी हेल्प कर, अगर आप लोग सिर्फ इतनी सी भी हेल्प कर दो तो ठीक है। तो चलो इंशाल्लाह अगर कुछ होगा फिर आगे, तो अगर अच्छी खबर होगी तो ज़रूर मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बनाऊँगा कि हाँ इसका ट्रीटमेंट हो गया या फिर ये अच्छा हो गया। तो उम्मीद करते हैं भाई वो लोग अच्छे ही हो जाए।